वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्योरी का। जब ये एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो चल रहा है तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में माइक्रो और मैक्रो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ये गवर्नमेंट बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता है क्या है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में गवर्नमेंट क्या कैसे रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट का खर्च होता है उसी का एक डाटा तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को बजट कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया में। तो आइए अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज डैश। तो इसमें से डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसमें से, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस चैप्टर में आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रोफेशन टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स इज ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट का कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि बजट के बारे में कि बजट होता क्या है। तो बजट क्या होता है कि एक डाटा होता है या स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें लिखा जाता है या फिर शामिल किया जाता है कि गवर्नमेंट का इनकम आता कहाँ से है और गवर्नमेंट खर्च कहाँ करना है एक साल में इनकम आता कैसे है और कहाँ से आता है, कैसे खर्च किया जाए, उसी के बारे में बजट में होता है। तो कंपोनेंट क्या होता है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना, बजट कहाँ से मतलब इनकम कैसे आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू कैसे आता है या इनकम रिसिप्ट इनकम कैसे आता है गवर्नमेंट के पास और उसको कैसे खर्चा किया जाए, उसी को बजट कहा जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ बजट क्या हो जाएगा, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये दोनों बजट का कंपोनेंट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायरेक्ट टैक्स इज ए रेली पेड बाय पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड हु सेड इट। तो इसमें एक स्टेटमेंट है और इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट किसने कहा कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स इज ए रेली पेड बाय पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड हु सेड इट। तो इसको किसने कहा था, तो इसको डाल्टन ने कहा था। डाल्टन सेड ए डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड हु सेड इट, तो ये डाल्टन ने कहा था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये सीबीएसई क्वेश्चन में सीबीएसई का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट।
इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा नहीं है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को किस चीज़ से रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो फॉरेन ग्रांट से, फॉरेन कोई भी फॉरेन फॉरेन कंपनी या फॉरेन से दिया जाता है तो उससे उसे तो प्राप्त होता है, इसमें पूछा गया किससे नहीं होता। फॉरेन ग्रांट्स मतलब क्या, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF जो किसी भी देश को रेवेन्यू या लोन प्राप्त कर देता है तो वो होता है, तो फॉरेन ग्रांट से होता है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, वेल्थ टैक्स, ये सबसे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बट जो रिकवरी ऑफ लोन होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन सा पेयर है डायरेक्ट टैक्स का? तो वेल्थ एंड इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। बाकी सभी जितने भी है जैसे कि एक्साइज ड्यूटी तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बट वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स। बट यहाँ पेयर में पूछा गया कि कौन सा दो है, तो दोनों वेल्थ एंड इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है या पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन फिस्कल पॉलिसी? इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स, पब्लिक डेब्ट, तो ये सभी फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है? तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है? तो एक्साइज ड्यूटी या इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। इससे एक चीज़ साफ क्लियर होता है कि इसमें पूछा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या सॉरी, ये पूछा गया है इसमें कि विच इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, तो इसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन से एक चीज़ साफ होता है कि एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में है, तो इसका मतलब बाकी जो तीनों ऑप्शन है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे उसमें थोड़ा सा मिसिंग हुआ था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट टैक्स क्या क्या है, तो इनकम टैक्स है ऑफकोर्स, ये सही है, बट इसमें से बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन में है, तो ये जो गिफ्ट टैक्स है ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वन का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें पूछा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या आता, तो एक्साइज ड्यूटीज आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अनबैलेंस्ड बजट में क्या क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, या एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, या डेफिसिट इज कवर बाय लोन और प्रिमिटिंग ऑफ नोट्स। तो अनबैलेंस बजट कब होता है? तो जब वो अनबैलेंस बजट तब होता है जब सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उसका रेवेन्यू से, तब उसको अनबैलेंस्ड बजट कहा जाता है। और बैलेंस बजट कहा जाता है जिसमें दोनों इक्वल रहता है, सरकार के हिसाब से उसमें एक्सपेंडिचर हायर नहीं होता। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, तो ये होगा। फिर डिफिसिट इज कवर्ड बाय लोन और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी एंड सी। तो अनबैलेंस बजट का ये करेक्टरिस्टिक्स है, और जब इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर तब ये बजट के अंदर में ही आता है बैलेंस बजट, तो ये तो सरप्लस बजट हो जाता है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट क्या है? इसमें बजट का डिफाइन के बारे में ही आपको बताना होगा। तो
ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा। बजट क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में भी होता है गवर्नमेंट का, एक डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का गवर्नमेंट का। तो ये सभी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में इंक्लूड, बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है, या फिजिकल डिफिसिट होता है, या प्राइमरी डिफिसिट होता है, डिफिसिट होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बजट में इंक्लूड रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें से गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, परचेज ऑफ हाउस, एक्सपेंस ऑन मशीनरी, आर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। भारत में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट, गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य होता है, या क्या उद्देश्य होता है बजट से, या क्या उम्मीद ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उम्मीद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है गवर्नमेंट को बजट से? तो क्या होता है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव। तो ये सभी गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है बजट को पारित करने का। तो टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये सभी होता है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रेसिप्ट, इसमें से कौन सा बजट रेसिप्ट का कंपोनेंट है? तो देखिए यहाँ दो चीज बजट में दो चीज है, एक बजट रेसिप्ट एंड बजट या एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को या सरकार को इनकम या रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता, तो उसी में वही होता है बजट रेसिप्ट। तो ये दोनों होता है बजट रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट, कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होता है। तो बोथ ए एंड बी, ये है बजट रेसिप्ट का कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, टैक्स रेवेन्यू सरकार का क्या किस में इंक्लूड है? तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट इंक्लूड इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंक्लूड इन डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है। तो इनकम टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो ये सभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, और एक्साइज ड्यूटीज ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो बोथ ए एंड बी ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किस में होता है? तो इसमें क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जो ऑप्शन डी है इसमें वेल्थ टैक्स, तो ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पूछा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता, तो एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाई
इस क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि भारत में 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का है, उसमें भी ये क्वेश्चन था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं होगा, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, तो ऑप्शन 20 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बजट में क्या क्या कंसिस्ट्स होता है, तो कैपिटल बजट, तो इसमें कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो GST जो लागू किया गया है, तो ये जितनी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है उस सभी को ऐड करके GST लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए किस तरह का बजट सुटेबल होता है, तो डिफिसिट, तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें डिफिसिट बजट सुटेबल होता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बजट, बजट का ड्यूरेशन क्या होता है, तो बजट का ड्यूरेशन एनुअली होता है, एनुअल मतलब सालाना, बजट हर साल पारित किया जाता है और वो 1 फरवरी को हर साल बजट पारित किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 या ऑप्शन ए एनुअल। तो इस चैप्टर का सारा MCQ वीडियो को हम लोग कर चुके हैं, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका हेल्प मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।